हेलो, जी नमस्कार मैडम। मैं आकाशवाणी भोपाल से अमिता त्रिवेदी बात कर रही हूँ। नमस्ते और अमिता जी। नमस्कार। इन दिनों की जो वस्तु स्थिति है, हम लोग जिस वक्त में या यूं कहिए जिस दौर में जी रहे हैं, वहाँ एक और थोड़ा सा डर, थोड़ी निराशा, थोड़ी अस्थिरता है। वहीं दूसरी ओर वक्त लोगों के पास बहुत सारा है। और वो लोग जो किताबों की दुनिया को बहुत नज़दीक से महसूस कर पाते हैं, उनके लिए वाणी प्रकाशन एक बहुत बड़ा माध्यम और सहारा है। आप एक्टिव रोल में वहाँ पर हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण काम को अंजाम दे रही हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आज के समय के हिसाब से आप लोगों की क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, जो लोगों को अच्छा साहित्य दे सकें, उनका समय गुजर सके और कुछ नया करने का उन्हें मोटिवेशन मिल सके। अमिता जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि ऐसी परिस्थितियां, ऐसी विकट परिस्थितियां आज से पहले, शायद पिछले 500 साल में मानव प्रजाति के सामने तो नहीं आई। जब विश्व युद्ध भी छिड़े हुए थे, और या जब पर्ल हार्बर हुआ, या कोई भी भूमिगत या प्राकृतिक संकट आए, तो इस प्रकार पूरी दुनिया रुक गई हो, ऐसा नहीं हुआ कभी। जी तो लाजमी है कि ये तो बहुत ही नया अनुभव है, और इस अनुभव से जूझने के लिए हमारे किसी भी पूर्वज के पास कोई कोई कलेक्टेड नॉलेज नहीं है कि ऐसे परिस्थिति को कैसे निपटा जाए। हम सभी जानते हैं कि ये हमारे ही प्रकृति की ओर उदासीनता के नतीजे हैं कि जी हमने इतना सब कुछ नष्ट करके ये पाया। तो आज का समय जब हम सब घर पे हैं, तो इन सब चीजों के बारे में तो सब सोच ही रहे हैं। लेकिन इस बीच वाणी प्रकाशन, क्योंकि एक सामूहिक एक गतिविधि की जगह भी है, जहाँ पर हम अपने आप को पाठक और लेखक के बीच की एक धुरी मानते हैं, तो जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ, जी जी उसके अगले ही दिन हमने ऑनलाइन साहित्य महोत्सव अनाउंस कर दिया था, अच्छा जिसमें हम सभी लेखकों को उनके पाठकों से जोड़ने का काम निरंतर कर रहे हैं। और पिछले 57 years, 60 years से इतने सारी पीढ़ियों के लोग वाणी प्रकाशन से जुड़े हुए रहे हैं, जी और ये अब समय है हमारे लिए उनको धन्यवाद कहने का, उनको याद दिलाते रहने का कि जितने प्रेम से उन्होंने इन सब बड़े लेखकों की, कवियों की किताबें हमेशा से पढ़ी हैं, आज वो सब उनसे बात कर रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, जी और बहुत अच्छा रिस्पांस है। जी हम प्रतियोगिताएं रख रहे हैं डिजिटल लेवल पे, साहित्य को पढ़ने वाले, बांचने वाले, सब लोग लिखने वाले एक साथ हर दिन दिन के 2 या 3 घंटे हमारे साथ ऑनलाइन रहते हैं। तो इससे एक पॉजिटिविटी तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ी पॉजिटिविटी तो हम लोगों तक ले जाएं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि कोई अकेला ना महसूस करे। बिल्कुल ऐसी जब आनंद विहार के या उसके बाद बंबई के जब तस्वीरें आई, तो बहुत भयानक परिस्थिति और मन की बनी। जी हमने इस साहित्य महोत्सव का नाम बदल के साहित्य और समाज ऑनलाइन गोष्ठी कर दिया, क्योंकि जहाँ भारत के हमारे भाई बहन ऐसे सड़क पे हैं और अपने घर जाने के लिए तड़प रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कोई महोत्सव नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल ये तो हमने बदला, लेकिन बस इतना मुझे लगता था कि साइकोलॉजिकली कोई अकेला ना महसूस करे, और लेखक बहुत संवेदनशील होते हैं, तो उनके साथ इस समय प्रकाशक का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जी उनकी क्रिएटिविटी इस समय दोनों ही साइड पे या तो अप जा सकती है या डाउन जा सकती है, तो उसमें एक दोस्त की तरह हम उनके साथ हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि आपके माध्यम से मैं अपने पाठकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना साथ दिया इतने साल, और इस समय भी वो हमारे साथ हैं। आपका एक मजबूत सेतु की तरह पाठकों और लेखकों के बीच होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किताबों से दोस्ती जिनकी है वही उस बात को महसूस कर पाते हैं कि वो कितनी जरूरी है। और खासकर ऐसे वक्त में, जो वक्त थोड़ा कठिन हो या जो वक्त गुजारे ना गुजर रहा हो, या जब हमें कुछ आत्मविश्वास अपने ही भीतर से पैदा करना हो, तो किताबें बहुत सहारा बन जाती हैं। आपने कहा कि आप लोग ऑनलाइन ये गतिविधियां लगातार कर रहे हैं। एक बहुत आम पाठक की हैसियत से यदि हम ये जानना चाहें, जो ऑनलाइन इन गतिविधियों में नहीं पार्टिसिपेट अभी तक कर पाया है,
वो कैसे जी इससे जुड़ सकता है? बहुत सिंपल है जी कि आप अगर आपका फेसबुक अकाउंट है तो आप वाणी प्रकाशन के फेसबुक अकाउंट से जुड़ जाएं और वहां निरंतर हम सभी गतिविधियों की जानकारियां उनके समय पोस्ट कर रहे हैं। और अगर आप फेसबुक पे नहीं हैं तो अब से कुछ ही दिनों में ये सारी बातचीत यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी, तो सभी लोग वहां भी देख सकते हैं। जी एक चीज, यूट्यूब देखने में हाँ कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं लगता है, आमतौर पे आजकल जो भी स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो यूट्यूब देख ही रहे हैं, जी तो वहां पर सब अवेलेबल है। ई-बुक्स और ऑडियो बुक्स जो हैं उस पर जाने का लिंक क्या है, और क्या उसमें इस दौरान इजाफा हुआ है? जो हमारे ईबुक और ऑडियो बुक पार्टनर्स हैं उनका जी ये कहना है कि अभूतपूर्व ट्रैफिक उनको मिला है। उनकी कंपनियां जब से बनी हैं तब से अब तक उन्होंने जितना ईबुक को पुश किया है वो बहुत ही जबरदस्त लेवल पे हो रहा है, तो अच्छा वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ऑडियो बुक्स में भी बहुत इजाफा हुआ है। और इस बीच हमने किंडल से रिक्वेस्ट की है कि वो वाणी प्रकाशन की सारी ईबुक्स कुछ समय के लिए बहुत कम दरों पे या मुफ्त में उपलब्ध करवाएं, उस पे हम काम कर रहे हैं। जी उम्मीद है कि एक दो दिन में इस पे कुछ नतीजा आ जाएगा और हम अपनी सारी ईबुक्स कुछ समय के लिए पाठकों के लिए मुफ्त में उपलब्ध करवा देंगे। ये बहुत बड़ी सेवा ही होगी निश्चित रूप से। हो सकता है कि इसमें आपके पाठक वर्ग में बढ़ोतरी हो और ज्यादा लोग इन चीजों से जुड़ सकें जो वास्तव में जीवन के लिए जरूरी होती हैं। आगामी दिनों में आपकी क्या कुछ गतिविधियां हैं वो जान सकते हैं हम? हमारे साथ नरेंद्र कोहली जुड़ने वाले हैं जी जो बात करेंगे महाभारत के महाभारत। कृष्ण पर। उसके बाद समीर अंजान साहब अपनी जीवन यात्रा पर बात करने वाले हैं। पद्मश्री उषा किरण खान होंगी हमारे साथ जी जो बात करेंगी महात्मा गांधी और बा कस्तूरबा के जीवन पर, किस प्रकार से उन्होंने आपातकाल में अपने आप को समर्पित किया समाज सेवा के लिए, जी वो बात करने वाली हैं। उसके बीच में कुछ युवा कवि हैं हमारे साथ जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं, हम उनके लिए भी ओपन माइक का आयोजन कर रहे हैं। जी मैं एक छोटी सी वर्कशॉप कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे अच्छा जहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं उन युवा लेखकों के लिए जो पांडुलिपि तैयार कर रहे हैं और हमेशा उन्हें लगता है कि वो एक बड़े प्रकाशन गृह के पास कैसे पहुंचे, कैसे अपनी बात उन तक पहुंचाएं, कैसे पांडुलिपि लेके जाएं। जी तो ये वर्कशॉप उन सबके लिए है कि आप अपनी लेखनी को कैसे व्यवस्थित करें, एक प्रकाशन गृह में एक संपादकीय विभाग क्या ढूंढ रहा है आपकी पांडुलिपि में या आपके प्रपोजल में, उस सब की जानकारी मैं देना चाहती हूँ अपने युवा दोस्तों को जी जी ताकि वो निडर हो के और खुल कर लिखें और एक व्यवस्थित रूप से प्रोफेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लेकर हमारे पास आए। बिल्कुल, आपने युवा लेखक कहा है, तो ये युवा हाँ, सिर्फ उम्र से है या लेखनीय कार्य से भी है? लेखनी से युवा है, उम्र जी तो बिल्कुल इट्स जस्ट नंबर। आप मानेंगे कि कितने अच्छे बड़े लेखक हुए जो जिनकी पहली किताब ही 40-45 की उम्र में आई है और वो इतनी शानदार किताबें आई हैं कि जिससे क्या कहें। तो युवा तो सिर्फ कलम है, कोई भी इस वर्कशॉप को अटेंड कर सकता है। कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यदि आप पहली बार कुछ पांडुलिपि जैसा तैयार कर रहे हैं, पहली बार कुछ व्यवस्थित कर रहे हैं अपनी लेखनी को, तो घबराएं नहीं, प्रकाशन गए हवा नहीं होते हैं। हम लोग बहुत ही किताबों से, लिखने वालों से प्रेम करने वाले लोग हैं, लेकिन एक तरीका है क्योंकि जी ये एक प्रोफेशन भी है, तो उस बिल्कुल तरीके को कैसे फॉलो करें, बस हम इतना बताना चाहते जी, हैं। प्रेम की ये अविरल धार पढ़ने वालों तक, लिखने वालों तक और सब तक पहुंचती रहे, इसके लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे, वो भी विशेषकर इन कठिन परिस्थितियों के लिए? देखिए, साहित्य ने हमेशा हर परिस्थिति में मानव जाति का साथ दिया है। इस जी समय बहुत जरूरी है कि हम विश्व साहित्य को पढ़ें और उसमें ढूंढें कि आज हम जिस परिस्थिति में खड़े हैं वो क्यों खड़े हैं। सारे जवाब हमारी किताबों के अंदर हैं। सभी को जरूरी है कि वापस जाएं, किताबें उठाएं और अपने परिवार के साथ किताबें पढ़ें, क्योंकि ये समय फिर कभी वापस लौट के नहीं आएगा और इस समय जो हमने मंथन कर लिया वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही निर्णायक साबित होगा। निश्चित रूप से किताबें आगत और विगत दोनों को जोड़ती हैं हमारे वर्तमान से, हमारा वर्तमान बेहतर हो और उसमें ये गतिविधियां हमारे लिए सहायक हों। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद अमिता जी।